आज चुन के लाई हूँ बाजार से वो एक राखी जो मुझे पता है उसे पसंद आएगी और उस कलाई में बहुत भाएगी। पर अब तो ये त्योहार लिफाफे में बंद होकर मेरे पास से जा रहा है और मुझ तक लौट कर वो एक फोन आ रहा है। राखी मिल गई, हैप्पी रक्षाबंधन, राखी बांध ली। लेकिन फिर भी ये त्योहार मुझे चिढ़ा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा त्रिपाठी शर्मा आज काफी लंबे वक्त के बाद आप सबसे रूबरू हो रही हूँ एक लंबी वीडियो के साथ। शॉर्ट्स तो मैं लगातार डाल रही हूँ अपने चैनल्स पे, लेकिन वीडियो जो है कंप्लीट वीडियो प्रॉपर वो मैं नहीं डाल रही हूँ, काफी टाइम से नहीं डाली है मैंने। एंड आज लेके आई हूँ कुछ खास, बहुत ही खास त्यौहार जो है वो आने वाला है, रक्षाबंधन। तो सभी बहनों के लिए जो किसी ना किसी वजह से अपने भाई से दूर हैं शादी के बाद या और किसी वजह से, और बस वही कुछ भावनाएं हैं जो बहनों के दिल की बात भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश है। बहन भाई के इस प्यारे से खास त्यौहार के ऊपर कुछ लिखने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगे तो आप लोगों की तारीफें, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने अपने भाइयों के साथ, अपनी अपनी बहनों के साथ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं। बचपन से आदत थी मेरी हर त्योहार में जश्न मनाना। त्योहार चाहे कोई भी हो पर पूरे घर में उछल उछल कर शोर मनाना। आज कई बरस हो गए हैं मेरे विवाह को, या यूं कहूं कि कई बरस हो गए हैं मेरे इस नए जन्म को, नए परिवार को। और हर बरस दिवाली और भी ज्यादा धूमधाम से मनाई, अपने नए परिवार के साथ घर की लक्ष्मी बन के मनाई। होली के फुहारों में भी अब रंग कुछ गहरे ही हुए हैं। सनम के हाथ से जब जब गुलाल मेरे गालों पर लगे हैं। हर त्योहार में एक नया रंग, एक नई चमक जुड़ी ही है। और सच कहूं तो किसी भी त्योहार में पिछले दिनों की कमी तो है पर खालीपन नहीं है। सब में कुछ ना कुछ नया, जो पहले से ज्यादा चमकदार, ज्यादा गहरा है। लेकिन न जाने क्यों इन सब से अलग ये एक लौता त्योहार है जो साल दर साल इंतजार में घुलता जा रहा है। हाँ, एक ऐसा एक लौता त्योहार है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही इंतजार है। तोहफों की फरमाइश, शगन की लड़ाई, राखी से पहले लिफाफे की खोज, वो झूठा सा रूठना और फिर नई फरमाइश पर झट से मान जाना, ये सारा शोरगुल, ये सारी लड़ाई अब तब्दील हो गई है सन्नाटे में। हर बरस अब भी सजाती हूं थाली, कायदे से
रोली, चंदन, चावल, दिया और मिठाई। अरे मिठाई सिर्फ भगवान जी के लिए, क्योंकि जनाब को मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं, तो उनके लिए वो ड्राई फ्रूट्स वाली कटोरी। आज चुन के लाए हूँ बाजार से वो एक राखी, जो मुझे पता है उसे पसंद आएगी और उस कलाई में बहुत भाएगी। पर अब तो ये त्योहार लिफाफे में बंद होकर मेरे पास से जा रहा है और मुझ तक लौट कर वो एक फोन आ रहा है। राखी मिल गई, हैप्पी रक्षाबंधन, राखी बांध ली। लेकिन फिर भी ये त्योहार मुझे चिढ़ा रहा है। ये त्योहार है लेकिन फिर भी मुझे एक सन्नाटा, एक खालीपन, एक इंतजार खा रहा है। इंतजार खा रहा है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, और इस उम्मीद के साथ कि जिसके भी भाई इस रक्षाबंधन उनसे किसी भी वजह से दूर हैं, वो अगले रक्षाबंधन उनके साथ होंगे और राखी लिफाफे पे नहीं होगी, थाली में होगी। और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।